दुख जाने दया
নামের মালা গাথি দিল জগ জনে হরি নামে মালা গাথি দিল জগ জনে জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণী
जय। माता ISKCON की जय। जगन्नाथ प्रभु सुभद्रा महारानी की जय। श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। संबित प्रश्न मुक्त वृंद की जय। नितार गौर प्रमाणे हरी बोल। ओम ज्ञान अंधस्य ज्ञानंजन शलाकया सखिलुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपादकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सार्वजातं सर्वगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं पर्यनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सर्वगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतये श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौराणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी असत्यनिष्ठतारिणे। नमो महाबलज्ञाय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यान्ने गौरत्से नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादी श्रीगौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण प्रभु से श्री महाति कृपा से सभी आचार्य गुरुवर्ग की कृपा से और विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जी की महाति कृपा से चैतन्य भागवत और चैतन्य चैतन्य के आधार पर हम सुन रहे हैं परम कारुणिक परम दया श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी की कुछ लीलाएं। जो भजन हम सुन रहे थे पतित को त्राण करने के लिए कलयुग में हम जन्म लिए हैं। कलयुग में एक दिशा में अब तो हतभाग्य के बोलते ना हिंदी में इल्फेक्टेड पर्सन्स। हमारा कोई इतना सुंदर भाग्य नहीं है और एक दिशा में बहुत भाग्यवान भी हम हैं। कलयुग में जन्म लेना था विशेष रूप से जो भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आए हैं बहुत भाग्यवान। कृष्ण प्रेम देने के लिए भगवान कृष्ण ने आए थे। जो चैतन्य महाप्रभु जी को कलयुग में आराधना करते हैं ना बहुत भाग्यवान होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जी की जो करुणा है वो गुरु परंपरा के माध्यम से प्रभुपाद तक आए। आज हम अनुभव कर रहे हैं संसार आज अनुभव कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा क्या है। आप लोग सोच लीजिए हम लोग बैठकर इधर महाप्रभु जी की कृपा से इसको थोड़ा स्मरण कर रहे हैं। सोच लीजिए आज अगर प्रभुपाद नहीं आए होते तो आज हम कहाँ होते हमारा जीवन सोच लीजिए। थोड़ा बहुत ईश्वर की चिंतन हो रहा है कृष्ण की चिंतन हो रहा है ये जगत में वास्तव सत्य क्या है हमको पता चला कि नहीं। आप देख लीजिए सत्य क्या है। दिन रात लोग काम करते हैं पैसा कमाते हैं सब कुछ करते हैं सत्य क्या है माया क्या है पता नहीं चलता है।
जब कोई चरणाश्रय गुरु चरणाश्रय करता है, आचार्य उपासना करता है, भगवान की उपासना करता है, तो आपको पता चलता है सत्य क्या है। सत्य यही है भगवान, भगवान की वजह से सत्य है। और कलयुग में भगवान के नाम ही सत्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। नाम इतना महान है कलयुग में, निरपराध नाम ले पाए प्रेम धर्म। जो प्रेम प्राप्ति के लिए कई युग से प्रेमणी देवता लोग, ब्रह्मा जी, शिव जी, बड़े बड़े महात्मा लोग कितना तप किए, प्रेम नहीं मिलता है, मुक्ति मिल जाता है, ब्रजप्रेम नहीं मिलता है। ब्रजवासियों गोपी लोग राधा रानी जी से प्रेम करते थे, भगवान श्री कृष्ण, वो प्रेम नहीं मिलता है। ब्रजप्रेम इतना सुलभ नहीं है। क्यों ब्रजप्रेम सुलभ नहीं है? सुख वांछा, समझ रहे ना, खुद का सुख वांछा कामना कुछ नहीं है इसमें, श्री भगवान की सुख ये दुर्लभ है। द्वारका में रुक्मिणी है, सत्य वहां है, कहीं पटना नहीं है, उनमें भी नहीं ये ब्रज भाव। कपिल लोग जिसने चैतन्य चेतन बड़े सुंदर भाव से कृष्णा कवरेज को स्वयं वर्णन किए, गोपिकार निजेंद्र प्रतिवंशा नहीं गोपिकार, कृष्ण सुख है तो करे सब व्यवहार। हम जी रहे हैं हमारे सुख के लिए, देख लो हमको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, इंद्रिय सुख है तब तो हम जी रहे हैं। ब्रजप्रेम जो है ना सिर्फ कृष्ण के लिए वो जी रहे थे, बस जीवन निभा रहे थे सिर्फ कृष्ण के लिए, कृष्ण सुख के लिए। कितना महान है, निजेंद्र सुखवांचा नाई गोपिकार, हम भक्ति भी कर रहे हैं ना फिर भी हमारा सुख चाहिए। हमको जो पसंद लगता है वही सेवा करते हैं, हमको ये पसंद है। देखो कितना बदवस्त है इसको बोलते, हमको पसंद लग रहा है, ठाकुर जी को क्या पसंद लगता है, गुरु जी को क्या पसंद लगता है, ये भी चिंता नहीं होता है। भक्त बन गए हैं नहीं होता है, इतना आसान नहीं है। जो ब्रजप्रेम निजेंद्र सुखवांछा नाही गोपिकार, कृष्ण सुख है तो करे सब व्यवहार। जीवन में जो कुछ कर रहे थे कृष्ण सुख के लिए, सिर्फ कृष्ण के लिए रो रहे थे, इतना पढ़े हाथ में नहीं थे, प्रवचन वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही उन लोगों को पता था, क्या कृष्ण है सर्वस्व। हम लोग का जीवन में कृष्ण है सर्वस्व, कृष्ण सुख हमारा लक्ष्य, यही भक्ति, शुद्ध भक्ति। इतना आसानी से समझ में नहीं आता ये चीज। हमारा शरीर है, इंद्रिय है, और खुद का इच्छा होता है, कोई कामना है, तब तक ही पता नहीं चलता है। विशुद्ध भक्ति जो है ना, ऐकांतिक भक्ति जो है, ब्रज प्रेम पता नहीं चलता। सिर्फ जो रूपानुग, रूपानुग ये शब्द सुने हैं ना आप, रूपानुग गौड़ीय वैष्णव, रूप गोस्वामी का अनुगत्य जो गौड़ीय वैष्णव लोग हैं उनकी चरण कमला जो उपासना करते हैं उनकी कृपा मिल जाती है तो विशुद्ध हो जाते हैं। भजन करते हैं, सेवा भी करते हैं, खुद का सुख पसंद नहीं जाता, मुझे ये चाहिए, ये तो कभी नहीं जाता। गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से मन में विभाव उदित होता है, समझ रहे ना, दो बार चार बार इसको बोल सकता हूँ, ये मैनिफेस्टेड होता है। स्पिरिचुअल चीज होता है ना, ये तो बुद्धि ज्ञान के परिसर में नहीं है, ये आत्मधर्म है, आत्मधर्म होता है। सेल्फलेस सर्विस, जब क्या बोले स्वार्थ रहित सेवा, सरल भावना से आप करेंगे और आचार्य निष्ठ बन जाएंगे तो ये मैनिफेस्ट होता है। इतना आनंद मिलता है जो सेवा में, भगवान की सुख वासना में, भगवान सुख देने के लिए मन इतना तरसता है, जीवन में कुछ पता नहीं चलता है। अभी तो हमारा सुख दुख विचार करना, भविष्य क्या होगा, ये होगा, देखो कितना चिंता में हम लोग, कुछ चिंता नहीं। वो जो सुख मिलता है ब्रज प्रेम, कृष्ण की, कृष्ण का सुख चिंतन करते करते बस दिन चला जाता है, रात नींद नहीं होता है रात को, मुझे कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण के लिए करना है। ये जो सुख है हमको
पता नहीं, हमको पता नहीं। इसलिए विशुद्ध भक्ति जो है ना, हमको पता नहीं। प्योर डिवोशनल सर्विस को बोलते हैं वो, सिर्फ जो गौरंगा महाप्रभु के भक्त लोग हैं ना उनकी कृपा से मिलता है, गौर भक्ति की कृपा से। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। हम मर रहे हैं संसार में, बुरा मत मानिए, हम मर रहे हैं। सिर्फ हमारे सुख चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, यही प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, समझ रहे ना। आज इतना दुखी हम क्यों है, मुझे ये चाहिए, कोई डिमांड करता है, यही हमारा प्रॉब्लम। और भक्ति योग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, खुद का कोई वासना रहता है, खुद का कोई मन का कामना रहता है, करने के लिए मन करता है, मैं ये करूंगा, नहीं नहीं नहीं। यही मेडिटेशन है, हमारा ध्यान यही है। हर बार प्रार्थना करना पड़ता है गुरु जी को, आचार्य लोग, प्रभु जी जिसमें आपका सो बोला मेरा भलाई होगा, आप इस ऐसे बात कर दे दीजिए। भगवान है ना अंतर में, आपका योग्यता क्या है ठाकुर जी को पता है, हमको प्रार्थना करना है, प्रभु जी गुरुजी प्रभुपाद जी आचार्य लोग आप मुझे कृपा कीजिए, जैसे आप मैं टिक कर रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, और वो परमात्मा आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। गुरु जी है ना, ठाकुर जी है ना, उस सेवा में आपका कल्याण होगा, विशुद्ध भावना मन में उदित होता है, खुद का सुख बसना चला जाता है। जो ब्रज प्रेम उसको देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, और उनका संगीत है कौन, नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु जी। सब अवतार, जो जो अवतार में जितने बड़े बड़े भक्त लोग जैसे हनुमान को आए थे, गौर अवतार में मुरारी गुप्त हनुमान सब आए थे गौर अवतार में। ब्रज प्रेमी अवतार में स्थान पत्र पत्र विचार न करो थे कालम प्रतीक्ष प्रभु, पात्र पात्र, ये योग्य व्यक्ति है या अयोग्य व्यक्ति है, क्वालिफाइड है, इसे करो का उता माधव किछो न बाचिल जाचिय दिला के कोन कहे प्रेमानंद मन गौरांगे हृदय धरिया बो। तो अनुभव की बात है, जो गौर भक्त होते हैं ना इतना उनको इतना सुख मिलता है, गौर चिंतन, गौर नित्यानंद के चरण का मधुर चिंतन करके, वो ही बोल सकते हैं, हम लोग क्या बताएं। उत्तम अधम की चुनावा चिल जाए चिये दिला के कौन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, प्रभेद नहीं, भेदभाव नहीं, ये पंडित है सबको प्रेम प्रदान की, जो ब्रह्मांड के नेतृत्व है वही नित्यानंद प्रभु जी, गौरांग महाप्रभु जी। और सब उनका यही लक्ष्य था कि कलयुग में जितना जीव है ना सुप्रेम प्राप्ति करे। अरे परंपरा में इतना बड़ा अवदान ठाकुर जी का है ना, ठाकुर जी छोड़ कर गए नहीं थे परंपरा में, बोली परंपरा। इसे चंद्र महाप्रभु ने बोला था कि पृथ्वी तेरा छिया था नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार नहीं भी बोलना, आज ये हो रहा है सारी दुनिया में, ये नितंत प्रभु की कृपा है, नितंत प्रभु जी कृपा प्राप्त किए थे प्रभुपाद, सारी दुनिया में हरिनाम हरिनाम हरिनाम, हरे कृष्ण 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 पहले। बचपन से मैंने देखा आप लोग शायद देखे होंगे, लोग माला करते हैं, लेकिन कौन सा नाम करते हैं आपको पता नहीं था, है ना। लोग बोलते हैं वो माला कर रहे, वो माला कर रहे, इतना लोग बोलते थे महामंत्र कर रहे, और महामंत्र में इतना सभी लोग को पता नहीं था, सिर्फ लोग बोलते ना ऐसे वो माला छिपा कर ऐसे कर, लोग बोलते हैं वो माला कर रहे हैं, अरे माला कौन सा नाम कर रहे हैं, इतना भी लोग को पता नहीं था। नाम प्रभु जी थे, लेकिन नाम प्रभु जी को प्रकट करने के लिए साधु चाहिए, ऐसा साधु नाम प्रेमी साधु गौर भक्त चाहिए। आज सारे दुनिया में सब लोग समझ रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र इतना पावरफुल है, साधु के माध्यम से मैनिफेस्ट प्रकाशित प्रकट हुए प्रभुपाद जी के माध्यम से, महामंत्र थे जब करते थे। साधु अगर नहीं आएंगे तो संसार में कैसे जिएगा, कुछ नहीं। भगवान का अवतार भले हो या नहीं हो,
भगवान के अवतार में जितना भलाई नहीं होता है सब लोग का अवतार भी ज्यादा होता है। भगवान आते हैं गिने चुने आदमी के लिए, समझ रहे हैं ना, वो बड़े आदमी के लिए आते हैं, हमारे लिए थोड़ी आते हैं। साधु तो सबके लिए, इसलिए हम बोलते वांछा कल्पत रूपेश कृपा सिंधु के बचा। सबसे बड़ा खतरनाक स्थिति भक्त लोग के लिए यही है जब वो साधु को नहीं समझते, गुरु जी को नहीं समझते। इसलिए मेरे लिए आए हैं, मेरा उद्धार के लिए आए। महांत स्वभाव तरिते पमन निज काज नाम तब जाओ तारक। ये प्रसंग कहाँ है? चैत्र महाप्रभु जब मिल रहे हैं राजा मनंद को गोदावरी तट में, तब ये बोल रहे हैं। महांत स्वभाव तरिते पमन निज काज नाम जाओ तारक। उनका घर इधर नहीं है, वह आए खुद का काम। ये हम जिसे पामर को तारण करने के लिए, उद्धार करने के लिए आए, ये हम नहीं समझ रहे। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नितंत पूजा की है, सुन रहे थे परिक्रमा की, सुबह सुन परिक्रमा की। देखो भक्तों की आराधना करना चाहिए, गुरु जी को किस आराधना करना चाहिए, गुरु जी को किसान प्रेम करना चाहिए। नितंत तो मतलब ये गुरु तत्व, इसलिए महाप्रभु ने व्यास पूजा की है। सुनेंगे नहीं आप? व्यास पूजा तो शुरू हुई, ये कोई सेंटिमेंट नहीं। व्यास पूजा का मतलब क्या होता है? जिस दिन व्यास जी का जन्मदिन है उस दिन सब लोग पालन करते हैं ना, हम लोग क्या पालन करते हैं व्यास पूजा? गुरुदेव का जन्मदिन व्यास पूजा। और कोई बोलेंगे ना कौन सा आधार पर आप बोल रहे हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन व्यास पूजा का जो ट्रेडिशन है ना वो है चैत्र महाप्रभु खुद पूजा की। नित्यानंद प्रभु जी भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने ऐसा जो आयोजन किया व्यास पूजा का, गुरु का ऐसा पूजा होना चाहिए। और हम हमारे गुरु जी कहा करते थे, गुरुदेव कहा करते थे, नहीं 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 गुरु जी को व्यास पूजा में सिर्फ आराधना नहीं करना चाहिए, हर दिन नहीं हर पल मन में यही रहना चाहिए। जो मेरा भलाई के लिए संसार, मेरा उद्धार के लिए, मेरा भलाई के लिए आए हैं ना, उनको अगर चिंतन नहीं करूंगा तो कृष्ण ने उनको भेजा है ना, उनको चिंतन करना है, उनकी कृपा से मैं चल रहा हूं। ये गुरु पूजा है, व्यास पूजा है, हर पल पर चिंतन करना है गुरु जी का चिंतन। इसलिए भक्त सिद्धांत सरस्वती का काम करते थे, हर चीज में जिसका गुरु दर्शन नहीं हो रहा है उसका कृष्ण दर्शन कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो आचार्य होते हैं, सब बोले हैं। आजकल हम लोग बोला कि प्रैक्टिकल नहीं है, क्या गुरु है क्या है, प्रैक्टिकल को बोल देते हैं ना, क्या गुरु दर्शन करना है हर जगह। भाई तुम भजन करो तुमको पता चलेगा गुरु दर्शन कैसे होता है, भजन करो थोड़ा, बोलने से पता नहीं चलता है, समझ रहे हैं ना। ये भक्ति जो कैसा है ना, आप बोल किसको बोल देंगे वो समझ लेंगे, समझ रहे आप पाठ नहीं, समझ रहे ना। दूसरा पार्ट आपका जो इंजीनियर है डॉक्टर पढ़ाई करते हैं कोर्स है ना, उसको समझा देते हैं, इधर कोई समझाते नहीं। ठाकुर जी आपको समझा रहे, समझ रहे ना, हम सुन रहे लेकिन समझ नहीं रहे। बहुत सुन रहे, गुरु जी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे, सत्य नहीं। तो ये ट्रांसलेटर हमारे गुरु जी कहा करते हैं ये फोर्थ डायमेंशन है, ये संसार में थ्री डायमेंशन चीज है। फोर्थ डायमेंशन कहा है, क्या वैकुंठ का जो वार्ता है वो फोर्थ डायमेंशन का है? फोर्थ डायमेंशन इधर नहीं, इधर थ्री डायमेंशन है। सब डायमेंशन क्या बोलते हैं, दिशा, तीन दिशा, तीन दिशा, थ्री डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन नहीं इधर। और ये स्पिरिचुअल का मतलब ये सब फोर्थ डायमेंशन का है, इसलिए सब सब कुछ पता है। तोता तोता जैसा है ना, बोल देते हैं, अरे गुरु वंदना गा लेते हैं, श्री गुरु चरण पद्म सब कुछ कर लेते हैं, समझते नहीं है। ये समझने का पाठ नहीं है, ये बड़ा कठिन पाठ। भगवान समझा देते हैं, किसको समझा देते हैं, किसको समझा देते हैं भगवान? जैसे देवे हाँ की पॉइंट है, तुम कितना पढ़ाई करो कुछ भी करो, जैसे देवे पढ़ाओ भक्ति था देवे तो था गुरु, यही भगवान की निष्कपट सेवा करके गुरु जी का आदेश पालन करके ममता हो जाता है ना गुरु जी से, पराभक्ति हो जाता है। जस्य देवे पराभक्ति, शब्द लगा है
देखो सब भक्ति के साथ कैसे भक्ति है, परा भक्ति। और फिर क्या बोले, यथा देवे तथा गुरु, देवे और गुरु यथा तथा होता है। कभी क्या हम कभी सोचते हैं भगवान भगवान को जिस पूजा आराधना करते मायावादी लोग कर लेते तो सेंटिमेंट में मायावादी लोग कर लेते, वैष्णव लोग तो बहुत बुद्धिमान हो गए ना, बहुत बुद्धिमान लगा रहे हैं, अनुभव नहीं हो रहा है। ये सही बात है, ये समझने का बात नहीं है। हम सिर्फ क्या बोले उसको रिमाइंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, माइंड को स्ट्राइक कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं ना मन को बोल रहे हैं भाई देखो ये करना है मुझे, ये करना है। मन बोलता नहीं नहीं मेरा शक्ति नहीं करने का, मैं क्या करूं, हमारा धर्म 16 माला जब करना है तो मन क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करो, जल्दी जल्दी खत्म करो। देखो तुम तो करना है मन के माध्यम से, मन क्या बोल रहा है, तो जल्दी जल्दी खत्म करो। जब प्रसाद ले रहे हैं व्हाट्सएप देख रहे हैं, मन बोल रहे हैं क्या, तो जल्दी जल्दी खत्म करो। देखो मन सब सुनता है, कुछ पकाता नहीं, डाइजेस्ट नहीं होता है मन में, ये क्या बोल रहा है, कई जन्म से मैं सुनते सुनते आ गए, ये अभी हरे कृष्ण बोल रहा है, अभी हरे कृष्ण बोल रहा है। मन तो कभी नहीं चाहता है कि इस संसार से तर कर जाए। भागवत में प्रसंग है ना, जड़ भगवत की प्रसंग है, राजा रोहन के लिए बोल रहे हैं, कभी कभी मन ये नहीं चाहता कि आत्मा परमात्मा के पास जाए, ये ठग है और हम उनका दोस्त है, ठग का दोस्त हम, वो जो बोल रहे हैं हाँ ये मेरा ये सबसे बड़ा चैलेंज है, इसीलिए गुरु जी चाहिए। माइंड और अगर गुरुदेव हमारा गुरुदेव सबसे बड़े लोग होते हैं, माइंड वांट्स हायर कमांड, हायर कमांड, उच्चतर आदेश चाहिए मन को, हायर कमांड रहता है, समझ रहे ना। जैसे ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, ऑफिसर का कमांड है तब तो काम चल रहा है, ऑफिसर कमांड नहीं करेंगे तो आप काम नहीं करेंगे। जब गुरु जी को समझ लेंगे आप तो उनका जो आदेश है ना वो मन के लिए सबसे बड़ा वेपन है, अस्त्र है। गुरु जी बोले हैं मुझे करना है, जो मेरा भलाई के लिए है, भगवान के अवतार है, भगवान की शक्ति में आविष्ट होकर आए हैं, मुझे करना है, नहीं करूंगा मैं मर जाऊंगा, गुरु जी खुश नहीं होंगे। समझने का बात नहीं, हम सब समझते हैं लेकिन करते नहीं कुछ, ये तो प्रॉब्लम है, पर करने का शक्ति नहीं है। और इसको भी हम प्रार्थना करते हैं, नहीं प्रार्थना करते हैं, एकाकी अमर नहीं पाए बाप, हरि नाम संकीर्तन प्रार्थना, वही गुरु जी को
आप मुझे मदद कीजिए, एकाकी अमार नहीं पाए हरे नाम संकीर्तन। देखो ये अलग रास्ता कुछ नहीं है, भागवतता से एक और सिद्धांत है। प्रभुपाद ने बार बार यही बोल रहे हैं, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जो अंग्रेजी प्रभुपाद ने लिखे हैं, फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। देखो इतना सीक्रेट ऑफ सक्सेस हमको पता नहीं चलता, जो सब प्रभुपाद लिखे हैं कितना मोटा, हिंदी में क्या सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता के रहस्य ही है ना, की पॉइंट। अच्छा लोग चरण उपासना करना, प्रार्थना करना, उनका आदेश पर चलना, जीवन में निछावर कर देना उनका, जो इच्छा आता है, जो इच्छा आता है, यही भक्ति है, यही भक्ति है, नहीं तो पता नहीं चलता है। जिसे हम सुन रहे थे, हर पल उपासना करना है गुरु जी का, चिंतन करना है। देखो माला, जब हम माला करते हैं क्या करते हैं, हरे कृष्णा गुरु जी का नाम लेते हैं, नहीं क्यों गुरु जी को पूजा करना चाहिए, इसका ऊपर अगर चर्चा करेंगे ना, होना चाहिए नित्यानंद गुरु जी का लीला, तो आप पढ़ लेंगे तो समझ लेंगे आप, गुरु जी को क्यों उपासना करना चाहिए। पहले हम मायाग्रस्त जीव है, पहले देखो हम क्या है, मायाग्रस्त, ग्रस्त समझ रहे यार, निकल गया है हमको माया, माया निकल गया हमारा बल पर, कभी हम कितना बुद्धिमान हो, कितना ज्ञानवान हो, हमारा भजन पर कभी हम माया से छुटकारा हमको नहीं मिलेगा, हमारा भजन पर माया से छुटकारा हमको नहीं मिलेगा। बस हमको कोई माया मुक्त पुरुष चाहिए, जो माया से मुक्त है, जैसे आप कुआं के भीतर घुस गए, समझ रहे ना, कुआं है, कुआं के भीतर भीतर है, तो जो कुआं के भीतर है वो आपको ऊपर ला सकता है क्या, जो ऊपर है वो ला सकता है, कुआं के बाहर जो है ना वो आपको ला सकता है, भीतर वाले नहीं ला सकते। इस संसार में आप कितना बुद्धिमान हो, कोई भी आपको कितना मदद करे, माया से छुटकारा नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। सिद्धांत कहाँ है, चैतन्य धर्म में, देखो ये चैतन्य धर्म का सिद्धांत है, कहाँ भी आपको प्रीतम धर्म चलेंगे, काम क्रोधर दासिया, काम क्रोधर दासाया, तार लाती खाए, भ्रमिते भ्रमिते जदी साधु वैद्य पाए। ये भगवान बोल रहे हैं, मैं दूसरे का सिद्धांत कभी नहीं मानता हूं भाई, तुम कुछ भी दूसरा लीला बोलो, हम तो हमारा सिद्धांत यही है, इसमें हम टिक गए हैं, रोग जैसा हम लोग को हो गया है, ये रोग है हम लोग का, गुड़ी वैष्णव लोग का हम रोग है ये गुरु उपासना, गुरु चिंतन, गुरु सेवा, ठाकुर जी की पूजा करते फिर बोलते हैं प्रभु जी क्या करो, गुरु जी का ठाकुर है, आप गुरु जी का है ना, भगवान को हम ऐसे बोलते हैं, मैं क्या आपको सुख दे सकता हूं, ये गुड़ी वैष्णव लोग का रोग है, गुरु 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 जी गुरु जी गुरु जी, काम क्रोध दास या तार लाती खाए, चैतन्य चैतन्य महाप्रभु है अनाधिकार से जी, काम और क्रोध का दास हो गया, लाती समझ रहे ना, लात काम और क्रोध ला लगा रहे, महाप्रभु का ही वचन है, भ्रमित भ्रमित जल्दी साधु वैद्य हो पाए, साधु वैद्य है भाव रूप का वैद्य हो गया, चिकित्सक है साधु वैद्य। पहले जमाने में आए देखो कितना सुंदर भावना उन लोगों का था, एक दो उपदेश गुरु जी देते थे उसको इतना मनन करते थे कि जीवन भर मेरा गुरु जी बोले है ना, अरे गुरु जी बोले है ना इसको करना है, इतना सरल भावना था। आजकल लिटरेचर आ गया, प्रवचन आ गया, सब कुछ हो गया, बस खिचड़ी बन गए, सब खिचड़ी समझ रहे ना, खिचड़ी डिस्पोज होता है ना, खिचड़ी में कौन सा स्वाद है, खिचड़ी का स्वाद अलग है ना, तो चावल का स्वाद मिलेगा अलग, ना दाल का, ना आलू का, सब डाल दीजिए अलग स्वाद हो गया, अभी हमारा भक्ति भी खिचड़ी बनती है
कुछ स्वाद नहीं, ना तो गुरु भक्ति में स्वाद है, ना महामंत्र में स्वाद है, ना प्रसाद में स्वाद है, कुछ कुछ में स्वाद नहीं, किस लिए हो गया? विश्वास नहीं, जब गुरु चरण आपको विश्वास नहीं, हम सीखे गुरु जी से, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और इसमें मार मन टिक गए, बाहर काबू नहीं जाता है भाई, भजन हो नहीं हो ये सत्य है, भजन नहीं है मेरा कमजोरी हो, लेकिन ये सत्य सिद्धांत है, ये सत्य सिद्धांत है, ये तो बिल्कुल बढ़ गया मेरा मन। हम ऐसे देखे साधु जी को, गुरु जी गुरु जी कैसे मनन करते थे, प्रभुपाद जी को कैसे ममता देते थे, हर समय बोलते मेरा परम आराध्य गुरुदेव, समझ रहे हैं, मेरा परम आराध्य, परम के हिंदी में क्या बोले, परम आराध्य, समझ रहे हैं, परम आराध्य, ऐसे बोलते थे, कभी नहीं बोलते प्रभुपाद, ऐसे नहीं, मानन है, इस सूर्य जी समान भगवत जस्य दिव्य प्राप्त, प्रभुपाद जी बोले हैं करना है मुझे, बस गुरु जी बोले, ये जो शक्ति है ना, ये बल है भक्ति जी, भ्रमित है। अगर देखो माया, माया कुछ कभी नहीं छोड़ता, क्यों हम गुरु जी का उपासना करना चाहिए, इसलिए सिद्धांत कहां है, चेतन मार्ग है ना, अनादि काल से भटकते हुए जीव क्या कर रहे हैं, काम क्रोध दास या तार लाती खाए, भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए, तार मंत्र उपदेश से पिशाची पलाय, तार मंत्र उपदेश से पिशाची पलाय, कृष्ण भक्ति पाए तब कृष्ण निकट जाए, चेतन चेतन देख लीजिए, तार मंत्र उपदेश से, देखो दो चीज सुनने वाले गुरु जी चिकित्सक जैसा वैद्य जैसा है, वो क्या करते हैं, मंत्र देते हैं और उपदेश देते हैं। हम क्या बोलते हैं, मैंने दीक्षा हो गया, मैंने मंत्र प्राप्त कर लिया, अभी मंत्र सिद्धि हो जाएगा, क्या मंत्र सिद्धि हो जाएगा, अरे भाई उपदेश पालन करना है, दोनों काम करना है, एक पथ्य आपको पता है ना, दवाई देते हैं और क्या बोलते हैं, विधि निषेध जैसा ना, वो दवाई देने वाले बोलते हैं तो ये नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, रोटी नहीं खाना है, दूध नहीं खाना है, इसको पालन करने से ही दवाई काम करता है। आजकल डॉक्टर को बताना है, आजकल डॉक्टर को सब खाओ दवाई ले जाओ क्योंकि ज्यादा सेल होगा, वो डॉक्टर नहीं है, सब दवाई दे देते हैं और बोलते तुम तुम्हारा जो इच्छा है उसको खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिंदगी भर तुम दवाई खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, पहले जमाने में ऐसा नहीं था, वो पहले बोलते थे निषेध, इसको नहीं करना है दवाई खाओ, इसको नहीं भोजन करना है, इसे सोना है, इसे खाना है, तार मंत्र उपदेश से, गुरु जी मंत्र देते और उपदेश देते, ऐसा ही जीवन में चलना है, ऐसा करना है, इसको पालन करो, पिशाची पला है, हिंदी में पिशाची क्या बोलते हैं, पिशाची समझ रहे हैं, पिशाची समझ रहे हैं, देखिए आप पिशाची को नहीं देखिए, तो कैसे समझ रहे हो, बहुत खतरनाक है, शादी से पहले मर जाती है लेकिन कामना है ना, उसको शैतान मिल जाती है, उसको वो किसका भीतर घुस जाते हैं ना, बाप बाप निकलता निकलते मारते थे, खून चूस लेते, मैं बचपन से सुना हूं देखा हूं, गांव में ऐसा होता है, आजकल भूत क्या है, आदमी तो भूत बन गया, भूत कहां चला गया, आजकल भूत नहीं है, आदमी तो भूत बन गया, सब कर रहे बस, भूत प्रेत पिशाची देवता भगवान, सिर्फ भगवान इस कर्म में है, और नहीं तो सब डर कर छोड़ कर चले गए, सवाल था इतना खतरनाक आदमी है ये, कहां ठाकुर जी नहीं रहे, ये सैतान, सैतान क्या करते पता है आपको, वो जब क्या बोले उसको, जब भूत वगैरह छड़ाते वो जब ओझा जब आते हैं ना, वो भाग जाता है, उनको पता चलता है ओझा आ गया, वो सैतान चला जाता है, छिपकर रह जाता है, ओझा जब आता है ना, वो पूरा बिल्कुल ठीक हो जाता है, फिर वो चला जाता है, फिर घुस जाता है, बहुत परेशान रहता है। आजकल हम वैष्णव लोग को शैतान घुस गया है, समझ रहे ना, शैतान घुस गया, वो छिप कर रहता है, पता नहीं चलता है कहाँ, जब गुरु जी आ जाते हैं, गुरु जी का वाक्य सुनते तब सटा
गुरुजी समझ रहे ना, गुरुजी कुछ बोल देते हैं कुछ करते हैं तो ठीक है, विसर्जन चला जाता है, चिप कर देता है, फिर गुरुजी चले गए सब तरह फिर घुस गए विसर्जन। हम लोगों का हालत यही है, गुरु जी आ गए कथा बोल रहे हैं, गुरु जी उपदेश दे रहे हैं, बस शैतान भाग जाता है, शैतान भाग जाता है। थोड़ा बहुत दिन सेवा चलता है, सब कुछ चलता है, फिर गुरु जी चले गए धीरे धीरे, बस फिर शैतान चले जाता है, घुस जाता है दिमाग में, ये पिशाच। देखो महाप्रभु बोल रहे, मैं क्या थोड़ा बोल रहा हूँ, पिशाच तार मंत्र उपदेश से पिशाच ही बना, पिशाच पकड़ कर रखे, मैं हूं, मैं आदमी हूं, मेरा घर है, मेरा माता जैसा है, मेरा पिता जैसा है, क्या करूं, मैं भगवान का हूं, ये मानो कभी मन में नहीं आता। इसलिए गुरु पूजा ना, चैतन्य महाप्रभु ने व्यास पूजा की, बोले नित्यानंद कल व्यास पूजा होगा तुम्हारा। नित्यानंद हंसने लगे, क्या मेरा व्यास पूजा होगा, देखो भगवान तो बोलो ऐसा नहीं बोल रहे थे, हमारे भाव में देखो भगवान है, लेकिन वो चाहते हैं कि नित्यानंद का पूजा, भक्त का पूजा होना चाहिए, भगवंत पूजा व्याधि को सर्वभूतेषु मन्मति, भगवान को मेरा भक्त का पूजा बड़ा है, भगवान ने खुद की है पूजा, पसंद करते हैं, इसमें प्रभु जी का आनंद है, ये तो बल है, कितना भक्तों का अपमान कर रहे हैं, कितना सम्मान दे रहे हैं, इसमें ठाकुर जी का कृपा मिलता है। नित्यानंद प्रभु ने बोले ठीक है, अगर व्यास पूजा आपको करना है ना शिवास पंडित के घर में, व्यास पूजा करो शिवास पंडित, तो महाप्रभु ने बोले शिवास तुम्हारी जिम्मेदारी है, कल व्यास पूजा होगा ना नित्यानंद का, जितना पैसा वगैरह कुछ लगे जो भी चीज लगेगा ना तुम्हारी जिम्मेदारी। तो शिवास बोले इसमें क्या है, नित्यानंद का व्यास पूजा होगा इसमें कंसेशन क्या है, सब में दे दूंगा, व्यास पूजा है ना सब, इसलिए आप व्यास पूजा करते हैं, व्यास जी का पूजा, व्यास का जो प्रतिनिधि है वो पूजा करते हैं, मनन करते हैं, स्मरण करते हैं, लेकिन हर दिन हमारा व्यास पूजा होना चाहिए अंतर में घर में, तो हर दिन गुरु जी का पूजा है, हर दिन हमारे लिए व्यास पूजा, गुरु जी का पूजा हर दिन, अगर वो अंतर में नहीं रहते हैं ना उनका उपदेश मंत्र, गुरु जी जब मनन नहीं होते हैं, गुरु जी को जब आप मनन नहीं करते उपदेश मनन आएगा नहीं, जितना गुरु स्मरण रहता है ना, जितना आचार्य लोग आपका स्मरण पत्र कर रहते हैं उतना इंस्ट्रक्शन आपको रिमाइंड होता है, प्रभु जी से बोले गुरु जी से बोले मुझे ऐसे करना है, इसलिए हम आचार्य लोग स्मरण करना चाहिए। पिशाची जैसा तार मंत्र उपदेश से पिशाची पला, कृष्ण भक्ति पाए तब कृष्ण निकट जाए, चैतन्य महाप्रभु तब तो कृष्ण भक्ति उनको मिलता है और कृष्ण का पास जाता है, कितना सुंदर सिद्धांत महाप्रभु ने। हम क्यों गुरु जी का उपासना कर रहे हैं, महाप्रभु ने क्यों नित्यानंद प्रभु जी का उपासना किया, हम भक्त जी ने ना चार अनर्थ घेरे से नाना अनर्थ रे वहा, भक्त ठाकुर बोल कितना अनर्थ, सबसे बड़ा अनर्थ क्या है अविद्या, समझ रहे ना, चार अनर्थ है ना, क्या क्या, पहला अनर्थ क्या है स्वरूप भ्रम, हमारा जो स्वरूप हमारा स्वरूप क्या है कृष्ण दास, ये अब तक अनुभव में नहीं अब तक अनुभव में नहीं, मैं कृष्ण दास हूं भगवान का दास हूं, ये कभी अनुभव में नहीं होता। अरे देखो माया का कितना बड़ा ट्रिक है, आपको पता है स्वरूप भ्रम का मतलब क्या, स्वरूप भ्रम हो गया, स्वरूप क्या है, मैं भगवान के अंश हूं भूल गया, इसको याद देने वाले कौन है, वही हमको पता था मैं कृष्ण का हूं, पिता का हूं, माता का हूं, देश का, अब देखो पहले गुरु जी, इसलिए गुरु जी का पूजा होता है, और इतना नहीं छोटा काम नहीं, ये स्वरूप भ्रम इतना बड़ा अनर्थ है ना। देखो कलयुग में माया, कलयुग में सब युग में माया का कितना बड़ा कांड है, समझ रहे ना कितना लीला है, आपको कभी नहीं छोड़ता कि स्वरूप स्थिति पर मैं भगवान का दास हूं, कभी नहीं छोड़ता, कितना जोग है देख लीजिए, कर्म जोग है कि नहीं, पुण्य करना है स्वर्ग जाना है, ये भी एक फास्ट जैसा है, समझ रहे ना, फास्ट जैसा नेट, मैं इसको फंसा कर कुछ लोग को रख लिया, देखो गुरु जी ने कितना उपकार किया हम लोग का,
इसलिए हम बोलते हैं ओम ज्ञान मेरा अंधस्य ज्ञानंजन सलाना चक्षुरुन्मीलितं जन क्या चक्षुरुन्मीलितं जन यही चक्षुरुन्मीलितं जन यही स्वरूप ब्रह्म हुआ था पिता इतने जन्म दिए कभी नहीं बुलाए कि कभी नहीं बोले हैं हमारे पिता आपको कभी नहीं बोले थे क्या हमारे पिताजी कभी बोले थे तुम भगवान का हो कुछ नहीं सिर्फ इतना बोलते तो भगवान को प्रार्थना करो तुम्हारा अच्छा पढ़ाई हो जाएगा पैसा अच्छा भगवान को प्रार्थना इतना है भगवान है उनका उनको उनसे कुछ लाना है बस इतना ही काम है और मैं संसार में आराम से यही हमारा विद्या था और कुछ था क्या क्यों हम प्रार्थना कर रहे हैं ज्ञान कितना उपकार गुरु जी के हैं इस स्वरूप हम देखो भाई आप छोटा समझते हैं तुलसी का सेवा करना ठाकुर जी का सेवा करना चरणाम लेना हरिनाम करना जितना आप कर रहे हैं ना किसकी कृपा पर कर मेरा ही प्रश्न आज तक जो चल रहा है इतना दिन माया हमको छोड़ दिए किस क्या हमारा बुद्धि से गुरु वैष्णव की सेवा हम कर रहे हैं उनका आशीर्वाद से इतना दिन हम आराम से थोड़ा है भजन कर रहे हैं माया बहुत भगवान और उनका ट्रिक क्या बोले चाल बहुत बड़ा चाल है देखो किसको फंसा देते हैं कर्म योग में मैं कर्म योगी हूं मैं कर्म कर रहा हूं पुण्य में लग जाते हैं जो पुण्य में लग जाते हैं स्वर्ग हुआ कि नहीं मैं स्वर्ग जाना है यज्ञ करना है योग करना है उनको फंसा कर रखे मैं भगवान का हूं स्थिति उसको समझ में नहीं देता मैं भगवान का हूं मैं आत्मा हूं ना परमात्मा का अंश हूं बिल्कुल नहीं देता कर्मयोग को कुछ कर्मयोग में किसको फंसा कर रखे हैं कर्म में और किसको ज्ञान में देखो हिमालय जाओ देखो कितना बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग आम ब्रह्मास्त्र में प्रभु गज्जब चिलम भी चलता है तम ब्रह्म चिलम भी प्रभु नंगा होकर चिलम पीते फिर बोलते मैं प्रभु जीवन तो सत्य सत्य जो चीज है ना ये पता चल जाए कि मैं भगवान का हूं नहीं कर रहा हूं तो मेरा कमजोरी है लेकिन सत्य बात है भगवान का ये जो उपकार गुरु ने किया दूसरा कोई नहीं किया पिता ने जन्म जन्म देकर इधर छोड़ दिए है ना माया संसार में छोड़ दिए आप रो रहे हैं अभी पिताजी कहाँ है शादी का उम्र हो जाता है पिताजी रोता है बेटा तू शादी कर ले बेटा तू शादी कर ले पिताजी को पूछा चल पिताजी आप शादी करके आपको क्या मिला है मुझे फंसा रहे हैं आप मुझे फंसा रहे हैं रोते हैं पिताजी रोते हैं माता जी रोते हैं और पति पत्नी दोनों में जब बहू और लड़का में फाइटिंग होता है तब पूछना चाहिए पिताजी आप मुझे फंसा दिए अभी देखो मेरा हालत क्या हो रहा है भाई संसार ऐसा अज्ञान है सब लोग बोलते हैं तुम शादी करो नहीं तो मर जाए भाई मैं शादी करूंगा सब कुछ करूंगा मैं भगवान का दास हूं यही मेरा मेन प्रॉब्लम है शादी तो कर लूंगा थोड़ा कामना है कामना वासना के लिए दो चार साल में वो चला जाएगा फिर क्या करूंगा फिर क्या करूंगा मेरा बिजनेस क्या है मैं क्यों तू भोग रहा हूं मैं भगवान का दास ये कोई नहीं बोलता गुरु बोलते हैं गुरु जी बोलते समझा देते हैं भाई तुम जो भी करो तुम भगवान का हो भगवान का भजन करो इसीलिए गुरु पूजा व्यास पूजा करते हैं तब स्वरूप ब्रह्म सबसे बड़ा ग्रंथ है हम लोग का अभी तक दीक्षा ले लिया फिर क्या बोलते हैं गुरु जी दो दिन के लिए छोड़ दीजिए मैं हमारे माता जी मेरा माँ जी का शरीर खराब होने जाऊंगा बोलते नहीं तो गुरु जी तुम किसका हो अभी भगवान का हो तुम कभी ऐसा नहीं बोल सकते मेरा माँ जी का ऐसा तो भगवान का सेवा करो तुम्हारा माँ जी ठीक हो जाए ये विश्वास हमारा नहीं कि बहुत बड़ा शरीर है ना बॉडी का अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है स्वरूप ब्रह्म है इसका कर्म जोग किसको फंसा कर रखे माया ज्ञान जोग में और हठ जोग में आसन प्राणायाम देखो वो लग जाते हैं उनको फंसा कर रखे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा भाई तुम कितना भी आसान आसन करो प्राणायाम करो जब बुढ़ा हो जाएंगे तब क्या करेंगे जब सोएंगे बेड में तब प्राणायाम करना है तुमको
कौन सा प्राणायाम तुम करेंगे भाई, कौन सा प्राणायाम? उस समय ऑक्सीजन लगेगा, कौन सा प्राणायाम करेंगे? ऑक्सीजन प्राणायाम करना है तुमको। ऑक्सीजन क्या, वेंटिलेटर लगता है ना, वेंटिलेटर लगता है। देखो माया कैसे फंसा कर रखे। लोग बोलते हैं बाबा हम जो करते हैं, करो करो भाई, करो कर लो, कितना जो करेंगे। जब वेंटिलेटर लगेगा तुम तो देखेंगे तुम कैसा प्राणायाम करेंगे। समझता भाई, जो करो ज्ञान कुछ भी करो, तुम कौन हो? इतना माया समझ में नहीं देता है। कितना बड़ा बड़े ज्ञानी लोग हैं, अभी समझ में नहीं। और गुरु जी ने इतना बड़ा दया किया कि हम लोग को, हमको स्वरूप स्थिति को लाने के लिए ये मंदिर बनाए। मंदिर क्यों? गौड़ी वैष्णवी जी ने मंदिर को इतना बड़ा क्यों प्राधान्य देते हैं? प्राधान्य समझ रहे हैं, इंपोर्टेंस देते हैं। क्यों देते हैं? हमारा स्वरूप स्थिति धर प्रकट होता है, इसलिए गुरु जी विग्रह प्रतिष्ठा करते हैं। ठाकुर जी अगर नहीं होते तो शाम को अपन आप आएंगे इधर, ठाकुर जी दर्शन करना है, चरणामृत लेना है, तुलसी का तुलसी सेवा करना है, भगवान को दर्शन करना है, कीर्तन करना है, भागवत पाठ करना है, सिर्फ स्वरूप स्थिति लाने की व्यवस्था कौन कर रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं, श्री विग्रहारा धनानित्यनाना श्रृंगारता मंदिर अर्जनादु। देखो हमारे सिद्धांत चरणपद जो लिखे हैं, युक्तास्य वक्तास्य नियोज्यतो पिबन्धे गुरुस्य चरणारविन्दम्। इस गुरु जी को प्रणाम करता हूं स्वरूप दिलाने के लिए, संबंध ज्ञान लाने के लिए, मैं कृष्ण का। इसलिए व्यास पूजा, व्यास पूजा गुरु जी का उपकार हर दिन हम सोचना चाहिए, जिसके दया से आज मैं, मुझे पता चला कि मैं भगवान हूं। कितना बड़ा उपकार गुरु जी के। एक कृतज्ञ, एक कृतज्ञ, समझ रहे ना? ये तो मुझे पता नहीं क्या बोलते, कृतज्ञ अकृतज्ञ अकृतज्ञ क्या बोले हिंदी में? अकृतज्ञ, हाँ ठीक है, मुझे पता नहीं, ये तो संस्कृत शब्द जैसा लगता है। इतना बड़ा उपकार किए हैं गुरु जी, कृतज्ञता नहीं है मन में, भाई मन में कृतज्ञ हर समय पढ़ना चाहिए। गुरु जी आप जो उपकार किए ना, मैं कुछ नहीं कर रहा। इसलिए शास्त्र क्या बोल रहे हैं, चक्षुदान जन्म जन्म प्रभु से, जन्म जन्म पास इंडेक्ट रूढ़ी रख दिया। जो पुकार के स्वरूप भ्रम हमारे, मैं भगवान का। देखो आज जो भक्त लोग हम लोग है ना, थोड़ा बहुत दुख मिलता है, मैं दुख मिलता है ना, लेकिन सत्य पता होता है कि नहीं, इसका में क्या है? ठाकुर जी है, कुछ नहीं है, पता चलता है कि नहीं? परिवार में कुछ हो जाता है, कुछ होता है तो क्या है? संसार में कुछ नहीं, भगवान ही सारा है। देखो माइंड को हम बैलेंस कर लेते हैं, इसमें जो भी वो करना है कहो, जो भी हो रहा है उन्हें दो, मैं तो भगवान का सेवा करना है। इतना विदेशी लोग को पता नहीं था, इसलिए सब क्रेजी हो गए थे, क्रेजी। आज तक देखिए भारत वर्ष में सिटी लाइफ में लोग क्रेजी पागल हो गए। स्वामी मुझे छोड़ा, मेरा पति मुझे छोड़ दिया, पत्नी मुझे छोड़ दिया, पैसा ये पैसा नहीं है, ये वो नहीं है, पर क्रेजीनेस क्रेजीनेस। तो भगवान का हो, प्रभु जी का हो, तो प्रभु जी की इच्छा से जो सुख दुख आता है भगवान की इच्छा से आता है। मैं कौन? मेरा कर्म फल है, ठाकुर जी दे रहा है मुझे भोगना है। इतना समझ में नहीं आता, कर्म ज्ञान और योग से हम उद्धार कौन किए हैं? माया के कवल से गुरु जी ने भक्ति योग में लाए, इस स्वरूप से लाए। गुरु देते स्वरूप ज्ञान। और दीक्षा में क्या होता है, नाम परिवर्तन क्यों करते? नाम चेंज होता है नहीं, स्वरूप भ्रम हुआ है ना, तुम सोच रहे तो तुम्हारा पिताजी का नाम ऐसा है, तुम्हारा नाम ऐसा है, नहीं आज से तुम कृष्णदास हो। देखो ठाकुर जी का नाम रखा देता स्वरूप स्थिति लाने के लिए, इसलिए व्यास पूजा, व्यास पूजा। और स्वरूप धर्म का बात क्या है? असत कृष्णा। इस स्वरूप धर्म अगर गुरु जी से गुरु जी को सेवा करके
ये तब तो नहीं समझेंगे ना, सेकंड स्टेप आ जाता है, सेकंड अनर्थ आ जाता है, एक पर एक समझ रहे ना, एक को एक का एक अनर्थ का सब नहीं करेंगे दूसरा अनर्थ उग जाता है। गुरु जी की सेवा करके गुरु का आदेश पर अगर हम टिक कर नहीं रहेंगे ना, स्वरूप हम ज्यादा रहता है कि मैं गुरु का मैं भगवान का हूं, गोपी भरत कपद कमल दास दासाम दासाम, इसको भूल गए ना, असत तृष्णा गए, असत तृष्णा, कितना सुंदर शब्द है असत तृष्णा। तृष्णा जो रहता है ये असत विषय विषय, असत तृष्णा जब आता है ना, भक्ति में जो कर्म है उसको आदर नहीं करता है, समझ रहे ना, कोई साधक है भगवान भक्ति कर रहे हैं लेकिन असत तृष्णा जब आ जाता है ना, कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, तो कीर्तन अच्छा लगता है ना, श्रवण अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, आदर कुछ नहीं लगता, भक्ति कर्म को आदर नहीं लगता, इसका मतलब असत तृष्णा हो गया। इतना सुंदर व्यवस्था है, भगवान स्मरण करना है, जप करना है, सेवा करना है, लेकिन आदर नहीं लगता, अदर डिजाइन हो गया, असत तृष्णा, असत तृष्णा जब हो जाता है भक्ति में आदर नहीं होता है, गुरु की सेवा में आदर नहीं होता है, और इसकी वजह से कितना चीज आ जाता है, असत्संग। पहले हम असत्संग छोड़कर आए हैं फिर वापस चले जाते होता है, ये अच्छा है, भक्त भक्त लोगों को देखते हैं आनंद नहीं लगता है, सेवा आनंद नहीं लगता है, भक्ति का जो कर्म है वो आनंद नहीं लगता, कुछ आनंद नहीं लगता। देखो लोग लोग जब पुजारी लोग को देखते हैं ठाकुर जी पुजारी सेवा करते, लोग क्या बोलते हैं मुझे पता है, मैं पुजारी था मुझे पता है, लोग आपस में बातचीत करते थे मंदिर के सामने, देखो कितना बड़ा भाग्य है बाबा जी जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम लोग तो संसार में हैं, लोग ऐसे बोल रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, मर जाऊंगा कितना ही काम करूंगा करना है। देखो भाई वो लोग कितना प्रशंसा कर रहे, संसार में कितना सड़ रहे हो तुमको पता नहीं, कितना कितना भाग्य, भगवान को ढाई घंटा तीन घंटा दर्शन करते हैं पूजा पकड़ कर, नहाना ड्रेस ठाकुर जी का कपड़ा पहनाना है, भोग लगाना, जब भोग लगाते ठाकुर जी को देखा जल देना है, आह्वान करना है, जल देना है, कपड़ा देना है, कितना भाग्य होता है। लेकिन स्वरूप भ्रम हो जाता है ना, मैं भगवान का दास हूं, सेवा करना मेरा धर्म है, ये जो छोड़ देते हैं या संतुष्ट है, क्या ये जीवन भर यही करूंगा, ये सब होता है। प्रभुपद क्या करते थे विग्रह सेवा में, ये कभी बेटी और सिर्फ कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत बड़ा बटन है, कभी ये नहीं सुनना चाहिए बहुत बड़ा बटन। आपको पता है ठाकुर जी का दर्शन, भगवान का दर्शन साक्षात, अगर किसका बलराम जी का दर्शन होगा तो बलराम की कृपा से कृष्ण का दर्शन होगा, जिसका बलराम दर्शन नहीं हो रहा है वो क्या करेगा, चतुर्व्यूह का दर्शन, चतुर्व्यूह क्या, तो कुछ पता नहीं क्या चतुर्व्यूह क्या दर्शन है, तो भगवान का ऐश्वर्य, अगर चतुर्व्यूह का दर्शन नहीं हो रहा है तो भगवान का ऐश्वर्य का दर्शन करना है, क्या भगवान का ऐश्वर्य हमको पता है, तो अगर भगवान का ऐश्वर्य उसको पता नहीं होता है, पतित पावन भगवान की जो डेटीज है ना उसको पतित पावन बोलते हैं, पता नहीं आपको जगन्नाथ जी का जो ठाकुर है, जगन्नाथ जो आगे बैठे हैं ना सिंहद्वार उसको पतित एक्चुअली डेटीज को पतित पावन बोलते हैं, विक्रम को पतित पावन, उनका सेवा करने से उनकी कृपा से हम भगवान का दर्शन करें, सख्या कोई तो भगवान है, नाम रूप विक्रम तिरि चिदानंद सख्या दर्शन होता है, सख्या दर्शन, अभी जो सेवा कर रहे हैं क्या समझ कर, डेटी समझ कर रहे हैं, ये विग्रह है, लेकिन उस शक्ति प्रकट करें देखें ये भगवान बोल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, मेरा सेवा ग्रहण कर रहे हैं। ये असत तृष्णा में भक्ति, एक देखो एक पद है गुरु वंदना में, प्रेम भक्ति जा है ते अविद्या विनाश जाते गाय जहा रचित,
प्रेम भक्ति मिलता है, अविद्या विनाश होता है। मैं नहीं बोल रहा, वेद बोल रहा है, जिसकी कृपा से, जो गुरु जी की कृपा से, इसलिए व्यास पूजा हम करते हैं। अगर गुरु जी का कृपा नहीं होगा तो असंतुष्टा दिन पर दिन बढ़ता है। गुरु जी का सेवा नहीं कर रहे हैं ना, मंदिर अच्छा नहीं लगेगा, भक्त अच्छा नहीं लगेगा, भगवान का सेवा अच्छा नहीं लगता है। ये भक्ति कर्म सब विपरीत होता है और उनको लगेगा बिल्कुल पलटिस चल रहा है। वो मंदिर में घुसते उनको लगता है बिल्कुल इधर पलटिस चल रहा है, उनको ऐसे नहीं लगेगा ये असंतुष्ट आ गया, सब पलटिस कर रहे क्या रुक्मणी करके तुम्हारे साथ पलटिस कर रहे हैं। देखो बुद्धि के साथ जाता है, हो जाएगा ऐसा, बुद्धि ऐसा हो जाता है, असंतुष्ट आ जाता है, आपको भगा ले, दूर से दूर ले जाता है, दूर ले जाता है, सेवा में और सुलभ नहीं देता है, असंतुष्ट। इसमें क्या होता है, असत्संग और कुटिनाटी, डुप्लीसियसनेस। कुटिनाटी समझ रहे ना, कुटिनाटी का मतलब ये होता है, एक बात सुनना सुनना और दूसरा पहुंची हो थोड़ा आड़ कर बोल देना, ऐसा नहीं बोलना, आदिट नहीं बोलना, कुटिनाटी का मतलब थोड़ा डुप्लीसियस पथ पर ऐसे बोल देता है कि वो ज्यादा झगड़ा हो जाएगा, ऐसा ये बढ़ता है, इसका बात सुनो इसको बोलो, उसका बात सुनो इसको बोलो, ये कुटिनाटी और कपट डुप्लीसियस इसका बात है। असंतुष्टा होते होता है, कभी भक्त लोग प्रश्न करते हैं ना, मैं जब नया डिवोटी था कुछ नहीं था, अभी क्यों हो रहा है, अभी इसलिए हो रहा है, एंगेजमेंट नहीं है, सेवा नहीं है, गुरु जी का आदेश पालन नहीं कर रहे हो, असंतुष्ट आ गया तो डुप्लीसियस नजर आ जाएगा, मन भाग भाग जाएगा इधर उधर। मंदिर है इसका मतलब हमारे गुरु जी कहा करते थे, ये सेवा यज्ञ समझ रहे ना, ये यज्ञ इधर हो रहा है, हर सैक्रिफाइस ये क्या है, सेवा यज्ञ, सेवा सेवा करो, सेवा करो भगवान की, तब तो पता चलेगा बेनिफिट होता है सब, स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, सेवा कृष्ण के सुख के लिए, सबसे गुरु के सुख के लिए, असंतुष्ट मन एक कपट कपट भवन ये जगड़ता है। और इसको अगर हम कंटिन्यू करेंगे, सही से भजन नहीं करेंगे, गुरु जी का सेवा नहीं करेंगे, ये भी बढ़ जाता है, सुरभ्रम हो गया, सुरभ्रम का बाद क्या होता है, असंतुष्ट। और असंतुष्ट हम चेक नहीं करेंगे, गुरु जी का सेवा करेंगे नहीं, भजन करेंगे नहीं, नहीं करेंगे ना, तो ये बढ़ जाता है, फिर एक रोग बढ़ जाता है, क्या हृदय रोग, इसको हृदय रोग, हृदय रोग क्या है, ये असंतुष्ट बढ़ते 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 जिनको बिल्कुल ले जाता है विषय, विषय दिशा में, विषय पर ही मन रहता है और कहां पर नहीं। और सबसे बड़ा खतरनाक ये होता है हृदय रोग में, वैष्णव और गुरु से श्रद्धा नहीं रहता है, गुरु और वैष्णव से श्रद्धा नहीं रहता है, ये इसका व्याख्यान है, शास्त्र को व्याख्यान होता है, तुम्हारा भजन क्यों नहीं हो रहा है, तुम पढ़ो तुमको पता चलेगा, सुन लो नहीं तो पढ़ो। हृदय द्रव वाले जब हो जाता है ना तो श्रद्धा नहीं रहता है, गुरु जी से श्रद्धा नहीं रहता है, सेवा करते हैं सब कुछ करते हैं सब चलता है, विश्वास श्रद्धा ये नहीं रहता है, भूल गए बोलने के लिए, असंतुष्ट से नहीं होता है, हृदय द्रव वाले से कुटनाटी ये सब शुरू होता है, असत्संग कुटनाटी काफट इधर से शुरू होता है, हृदय द्रव वाले से। उधर क्या होता है, असंतुष्ट वो बढ़ते 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 विषय की दिशा में जाता है और लास्ट में वो प्रतिष्ठा में पहुंचता है, असंतुष्ट का एंड पॉइंट प्रतिष्ठा। जब गुरु जी का सेवा आप नहीं किए, ठाकुर जी का सेवा ठीक से नहीं किए, दूसरा भावना हो गया, स्वरूप स्थित पर नहीं रहे, तो असंतुष्ट होता है, असंतुष्ट में सेवा नहीं करना है, दूसरा डिजायर अरेज होता है और ये बढ़ते 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 प्रतिष्ठा तक चला जाता है। और उसके बाद आता है क्या, हृदय द्रव, ये प्रतिष्ठा से शुरू होता है, हृदय द्रव आ गया ना, अभिनिवेश बिल्कुल विषय में आता है, आप भक्ति कर्म आपको अनादर लगता है, ये क्या है, सोच रहा है अच्छा नहीं, और गुरु वैष्णव से श्रद्धा नहीं रहता है, बिल्कुल गुरु जी साधु से श्रद्धा नहीं रहता है,
अरे हृदय द्रोह लगे भी समझ जाता है, कुटिनाटी कपट इस सब शुरू होता है। स्वरूप भ्रम का बात क्या हुआ? असंतृष्णा, असंतृष्णा का बात, असंतृष्णा का एंड पॉइंट क्या है? प्रतिष्ठा। अब हृदय द्रोह शुरू हो गया, विषय में अभिनिवेश आ जाता है, मैं बड़ा हूं और गुरु वैष्णव हर समय गुरु, आप गुरु जी का कुछ बात सुनते हैं ना, आप क्या सुनते हैं? मुझे ही पता है, समझ रहे ना? जब असंतुष्ट आ जाता है ना, कुछ गुरुमुख से सुनते हैं ना, तब क्या बोलते हैं? मुझे नहीं पता है, मैं सुना बैठते हैं, कुछ भीतर नहीं जाता है, समझ रहे ना? गुरु जी कुछ बोल रहे हैं ना, अरे मैं सुना हूं, मुझे कुछ पता है, मुझे पता है। यह असंतुष्ट है। अब सर हृदय दुर्बल है, हृदय दुर्बल आ जाता है, अभिमान रहता है, प्रतिष्ठा मन में आ गया, बस कुछ नहीं। और हरि गुरु वैष्णव की जो सेवा है वो अभिनय है, अच्छा लोग बोलते अभिनय, अभिनय समझ रहे हैं ना, एक्टिंग, बड़ापन मन में आ गया ना, अभिनय जैसे चलता है, गुरु का वाक्य भीतर नहीं जाता है, शास्त्र का वाक्य भीतर नहीं जाता है कुछ। और इसका वर्ग शुरू होता है अपराध, स्टेज में आ जाते हैं अपराध, एक पर है, एक पर है अपराध, अपराध शुरू हो गया तो फिर लग गया विष्णु अपराध, नव अपराध, सेवा अपराध, या अपराध जीव फिर रह गया इस संसार में। तो देख लीजिए आचार्य लोग इतना डिविजन करके जो बताएं, क्यों बताएं हम लोग को, क्यों बताएं? सावधान करने के, बंदे मुई सावधान होते हैं, जिसकी दया से जिसकी करुणा से सब कुछ मिलता है, उनका आदेश मुझे पालन करना है, सुरक्षित पर रहना है, मैं कृष्ण का दास हूं, गुरु जी की कृपा से मुझे पता है, उनका आदेश पालन करना है, उनका चरण कमल मुझे स्मरण करना है, उनका सेवा मुझे करना है, नहीं तो स्वरूप भ्रम हो जाता है, तो आ गया असत कृष्ण, हृदय द्रोह बन गया, विषम अपराध, अपराध करते हैं, उसको विषम अपराध बोले हैं आचार्य भक्तों ने, अपराध ऐसा विषम अपराध, पीछे पीछे लगे रहता है, कौन उद्धार हमको करेंगे? इसलिए आचार्य लोग ये बोल रहे हैं, हमको इससे क्या दे रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? इसे चैतन्य महाप्रभु ने बोले काल नित्यानंद तुम्हारा पूजा होगा, कहाँ होगा? शिवास के अंदर। और दोनों अधिवास का दस पूजा होगा, आज अधिवास का दिन है, दोनों ही नाच रहे थे, नित्यानंद गुरु जी नाच रहे थे, महाप्रभु भी नाच रहे थे, नित्यानंद गुरु महाप्रभु भी नाच रहे थे, बताए कल नित्यानंद का पूजा होगा, गुरु जी का पूजा, गुरु तत्व का पूजा, उपासना भगवान कर रहे, बहुत नृत्य कीर्तन के अधिवास में। और दूसरा दिन काम सुने का टाइम हो गया, दूसरा दिन महाप्रभु ने बोले जो जिस दिन व्यास पूजा है, महाप्रभु बोले नित्यानंद आज व्यास पूजा है, ये मंत्र पढ़ो, ये व्यास जी का मंत्र है, व्यास को फूल माला दो, नित्यानंद पढ़ते हैं जी क्या व्यास जी, व्यास जी को फूल माला देना है। और शिवा से बोल रहे तो महाप्रभु आप बोल रहे हैं कि ये व्यास जी का मंत्र एक विधि है, पहले व्यास जी को जैसे हमारे गुरु जी लोग हम जो पूजा करते हैं पहले आते हैं वो क्या करते हैं, माला गुरु जी को देते हैं ना, प्रभुपाद जी को देते हैं, व्यास का जो प्रतिनिधि परंपरा है, परंपरा आचार्य लोग देते माला देते, तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि आज आज व्यास पूजा है नित्यानंद, ये मंत्र उच्चारण करो, अरे माला व्यास जी को पहना, नित्यानंद चुपचाप बैठे, और शिवास बोल रहे हैं ये मंत्र नहीं बोल रहे, तो मंत्र बोलना चाहिए ना, मंत्र नहीं बोल रहे, माला नहीं पहना रहे, और महाप्रभु बोले नित्यानंद तुम थोड़ा मंत्र पढ़ो, आज व्यास पूजा है, व्यास जी का मंत्र पढ़ो, फिर माला तुम, तो माला वो जो माला पकड़ा था ना वो चैत्र महाप्रभु घर में डाल दिए, व्यास को क्या पूजा करना है, आप तो व्यास है ना, आप भगवान है ना, आपको मैं पूजा कर, देखो ये बोलता भगवान की समझा किसी नित्यानंद को मालूम कर रहे चैत्र महाप्रभु,
आप भगवान है, आपको ही पूजा करना। तो महाप्रभु पहला दिन जो अधिवासी का दिन, महाप्रभु बोले कि मद आना, मद 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 मतलब शराब, शराब मुझे बलराम आवेश हो गए, बलराम का आवेश हो गए। यह अद्भुत नित्यानंद प्रभु जी का लीला है, महाप्रभु जी से एक लीला है ना। शिवास के अंदर में महाप्रभु है और नित्यानंद प्रभु दोनों है। महाप्रभु सुन रहे थे कि नितन बहुत उठपटांग काम कर रहे हैं शिवास भाई, शिवास संघ। तो महाप्रभु आए एक दिन, बोले नित्यानंद तुम इतना चंचल क्यों हो रहे हो, सन्यासी हो ना, चंचल अच्छा नहीं। नितन बोले मैं चंचल हो गया, तुम मुझे चंचल कर रहे हो। उनका बच्ची देश है, मैं चंचल हो गया, मैं चंचल नहीं, मैं ठीक हूं, मैं चंचल क्यों हूं आप बताइए, मैं क्या कर रहा। तुम अन्नवृष्टि कर रहे हो, अन्नवृष्टि समझ रहे हो आप, सबका घर में अन्नवृष्टि। ये नितान प्रभु ऐसा ही थे, थोड़ा प्रसाद देने तो प्रसाद पकड़ कर कभी रुकते करते हैं, कभी इधर उधर फेंकते हैं। और ये अन्नवृष्टि का तात्पर्य अलग अलग लिखे हैं आचार्य लोग। मुझे नितान प्रभु ने बोले मैं अन्नवृष्टि कर रहा हूँ, इधर उधर प्रसाद फैल रहा हूँ, आप सोच रहे हैं ये पागल करते हैं। मैं क्या पागल हूँ, मैं तो पागल नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। आप ऐसे क्यों बोल रहे, मेरा खाना पीना बंद हो जाएगा। आप ऐसे बोलेंगे तो सब जगह में लोग क्या करेंगे, मुझे खाना पीने को नहीं देंगे, मुझे मारने के लिए आप ऐसे बोल रहे हैं। इधर बोल बोल, ये मेरा खाना पीना बंद करने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। मैं अनुवृष्टि कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, व्यवसाय कर रहा हूँ। महा बोले नहीं देखो तुम चंचल हो रहे हो, तब तो मैं बोल रहा हूँ मैं चंचल हूँ, मैं पागल हूँ। तब बिल्कुल कपड़ा खोल दिए, नंगा हो गए और सिर में कपड़ा बांध दिए और हंसने लगे। प्रभु मत नित्यानंद महाप्रभु बोले देखो देखो ये ग्रस्त का बाड़ी है, ग्रस्त इधर कोई पंचोल नहीं है, सर इधर कोई आश्रम नहीं है, शिवास का अंगन है, पता चलो गए। नित्यानंद प्रभु ने सुना, महाप्रभु गए जबरदस्त फिर कपड़ा लाए उनको पहने। दो बार ऐसे किए, और एक बार महाप्रभु बैठे थे विष्णु प्रिया के साथ, अरे शरीर में कुछ नहीं है, विष्णु प्रिया के साथ महाप्रभु बैठे थे और उधर गए। नित्यानंद क्या हो, विष्णु प्रिया इधर है, सब समझ रहे हैं। और इस प्रसंग में चैत्र भागवत में वृंदावन स्थापित लिख रहे हैं, जो प्रयत्न बनते हैं वो लज्जा क्या है, वो क्या पता चलता है शरीर धर्म क्या है, कुछ पता नहीं, प्रेम बनते नित्यानंद अद्भुत स्थिति। अब इसलिए उसको अवधूत बोलते, अवधूत अवधूत परंतु पागल थे। चैतन जब चैतन महाप्रभु की प्रेम की बात सुनते थे तो पागल जैसे हो जाते, प्रेम का एक स्वभाव जिसको मिलता है उसको पता चलता है, हमको अब तक नहीं मिला है, हमको क्या कुछ क्या पता, हम सिर्फ सुनते हैं बोल देते हैं, प्रेम जब मिल जाता है ना तब ये एक अलग मैडनेस है। संसार में अभी क्या है, भजन थोड़ा बहुत करते हैं हम लोग, लेकिन स्वाद तो नहीं मिल रहा है, स्वाद ये इस उपाय में मिलता है। भजन का स्वाद जब मिलता है ना तब आपको पता चलेगा, ये उपाय यही है। व्यास पूजा, गुरु जी का पूजा, गुरु जी का उपासना, क्योंकि गुरु जी का उपासना कल हम सुनेंगे कई पॉइंट्स है, क्यों क्यों गुरु जी का उपासना करना चाहिए। और हमारा अनर्थ क्या है, सबसे बड़ा अनर्थ है हमारा बुद्धि से गुरु जी को हर समय माप रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट ये गुरु जी एक माया मुक्त पुरुष है, भगवान के दूत, इसको याद रखना सबको, माया मुक्त पुरुष माया के अधीन में नहीं, और भगवान ने उनको भेजे भगवान के दूत, इसको याद रखना। ये इतना याद नहीं रहेगा तो अनंत घुसेगा। अब इतना ये जो भावना है ना, ये आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, समझ रहे ना, ये आपको प्रोटेक्शन दे रहा है।
तब तो भजन कर सकते, गुरु जी का वाक्य को स्मरण कर सकते, शास्त्र प्रकट होता है तब तक, ये अब नहीं होता ना तब नहीं होता है भजन। देखिए सिद्धांत कहाँ है, चैतन्य सिद्धांत कहाँ, यद्यपि आमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानियामि तहार प्रकाश, मुझे पता है चैतन्य का दास है लेकिन प्रकाश है, मुझे पता है चैतन्य महाप्रभु का दास है हमारा गुरु लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी का प्रकाश है। ये जो सब सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत को सुनकर हमको भगवान को गुरु जी को प्रार्थना करना है, तब तो गुरु जी का अंतर जो गौरव करुणा शक्ति है ना वो प्रकट होता है, पता चलता है, तब इम्पोर्टेंस जब इसको बोलते हैं ना गुरु तो देकर वचन करें, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं गुरु जी वाक्य कर, मन मन शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, हाँ गुरु जी बोले इतना मुझे करना है, वही अंकित चिंतन शुरू हो गया, अतुल विश्वास आ रहा है, तब तो आपका वचन शुरू, कुछ भी सुनते हैं मन बोलता है मुझे पता है, और कभी कभी सुनते हैं ना बार बार गुरु जी इसको ही बोल रहे हैं भाई, तुम गुरु जी का पोस्ट पर बैठ जाओ तुम भी बोलो, तुम क्या बोलेंगे हम देखेंगे, हम सुनेंगे तुम बोलो, तुम बोलो क्या बोलो, बार बार गुरु जी यही बोल रहे हैं, गुरु जी क्या बोलेंगे, ये सब जड्यता जड्यता इसको बोलते हैं, समझ रहे, जड़ बुद्धि से आलस्य भावना, क्या गुरु जी यही बात बोल रहे हैं और कुछ नया बात तुम्हारा लिए किया है, नया बात तुम्हारे लिए यही नया बात है, थोड़ा अच्छा प्रसाद मिल जाए, अच्छा पोस्ट मिल जाए, ये तुम्हारे लिए नया बात है, अच्छा तो हमारा भावना यही है ना। प्रभुपाद जी जब वो विदेश गए, अब उनका प्रवचन सब सुन लीजिए ना, आजकल जो निकला है सब सब प्रवचन किताब में है, ऐसे आजकल छोटे मोबाइल से वीडियो लेकिन इतना उनको आनंद लगता था, ये अलग स्पिरिट है, क्यों उनका इतना बड़ा भाग्य था कि एक साधु ने खुद का स्वरूप प्रकट कर दिया, उन्होंने दया कर दिया था, देखो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं तुम देख लो, ये साधु की करुणा से, क्योंकि वो लोग पापी तो थे अपराधी नहीं थे, इंडिया में लोग ज्यादा अपराधी है, विदेशी लोग तो पापी में नहीं बोलता नहीं सर, वो पाप करते हैं, इंडिया लोग अपराधी बहुत अपराध करते हैं, क्योंकि हमारा जन्म ऐसा है कपट में, वो लोग कपट नहीं मजिस्ट्रेट बर्बाद, वो ज्यादा डिप्रेसिस नजर होता है, बोलते हैं करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, हम लोग हाँ 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 करेंगे, बोलते हैं नहीं करना है, गुरु जी से हाँ बोलना है, नहीं करना है, हम लोग आदत ऐसा है, जन्म से पिता माता हम लोग ऐसे ट्रेनिंग दिए, जन्म से हमारे पिता माता हमको कपट, तो उनका ऐसा नहीं हो, मजिस्ट्रेट बर्बाद बचपन से उनको सिखाया गया ऐसा करना है, यस नो यस यस नो नो, हमारा यस नो यस हम लोग का ट्रेनिंग है, हम यस करते थे बाद में नो करते थे, ये जन्म से हम लोग का स्वभाव हो गया, इसलिए भक्ति करना अपराध ज्यादा हो जाते हैं, वो लोग यो ही सुन रहे थे, आज तक वही सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी कैसे अभी सुन रहे हैं, फिर वही बात अर्जुन जी कर, और हम कितना कथा सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, फिर सुन रहे, क्या गुरु जी बोला, और कुछ नया बोलना चाहिए, क्या नया तुम्हारे लिए, कहां से लाएंगे वो नया शास्त्र का, ये सब मानसिक भ्रम है, एक दो बात सुन लेते थे, जैसे मैं सुबह को बता रहा था, संसार में सबसे बड़ा पंडित भक्त सिद्धार्थ सुजोर ठाकुर रूपा जी महाराज का गुरु जी कुछ नहीं, कभी प्रवचन नहीं दी, उपदेश एक दो उपदेश देते थे बस, और ज्यादा आप प्रश्न पूछेंगे ना, ज्यादा प्रश्न पूछेंगे उनका उत्तर है ये गौर हरि, गौर हरि,
गोल हरि महाप्रभु जी का भजन घर पास ज्यादा नहीं कुछ नहीं बोलते ज्यादा डिस्टर्ब मत कर उनका चला देखो संसार में सबसे बड़ा पंडित है सबसे वो प्रवचन सुनकर गुरु उनको गुरु माने गुरु शक्ति क्या है उनका पता चल गया उनका पिताजी ने उनको दिखा दिया कि देखो भक्त सिद्धांत भक्ति ठाकुर ने बोले विमला प्रसाद तुमको गोल्ड सदन बाबा जी महाराज को स्वीकार करना है मैं बोला नरसिंह मंत्र पहले वो दिया था ना भक्ति ठाकुर ने नरसिंह मंत्र दिया था लेकिन बोले नहीं हरिनाम मुझसे नहीं लेना है उनसे तो वो भजन करके महाप्रभु जो कृपा उपास पर रखे है ना जा उनको प्रसन्न करो एक कृपा ला कई बार गए कितना बार गए सत्रह नहीं वो तो आपने चाहिए चार पांच बार गए जब जब भी जाते थे ना तब तो बोलते थे गुरु जी स्वीकार कीजिए बाबा मुझे स्वीकार कीजिए हाँ ठीक है मैं गौर विद्या मैं तो गौर विद्या का सेवा नहीं कर रहा हूँ तुम्हारा सेवा क्या करना चेला चेला का मतलब फिर उनका सेवा करना पड़ता है उद्देश्य देना पड़ता है मेरा गौर विद्या का भजन नहीं हो रहा है तुम्हारा तुमको क्या चेला बताऊँ ठीक है तुम जाओ बड़े घर का आदमी है तुम चेला नहीं कर सकते ठीक है मैं गौर विद्या को पूछता हूँ जाओ फिर दो दिन के बाद फिर जाएंगे फिर बोलेंगे आप पूछ के गौर विद्या ये मैं भूल गया जा कहाँ पर पूछूंगा तो बाद में भक्ति सिद्धांत ठाकुर को पता चला कि मुझसे कपट कर रहे हैं तब बोले देखो मेरा पिताजी ने से बोले और पिताजी जाकर बोले भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को गोल्डी सस बाबा जी महाराज ऐसे बोल रहे हैं तो पिताजी ने बोल दिया विमला प्रसाद ये शरीर गंगा में देना है नहीं तो गौर किशोर को देना है इधर भी आना है जब जब क्या भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनको भेजे थे गोरकिशदास महाराज का पास भेजे थे क्यों भेजे थे पता था गौर करुणा शक्ति का वादा है बाहर का चीज नहीं देखा जाता है गुरु जी कैसा प्रवचन दे रहे हैं क्या कर रहे हैं भगवान की शक्ति जो भजन का बल जो समर्पण त्याग को रखे हैं ना पास में जो बल है महाप्रभु जी का बल वो भाग्यवान जिनको पता पड़ा जिसको पता हो गया वही भाग्यवान है वही भजन कर सकता है टिक सकता है इसलिए व्यास पूजा हर दिन करना चाहिए हर दिन हमारा अंतर में व्यास पूजा है गुरु जी के लिए स्पेशल एक आसन समझ रहे ना एक स्वतंत्र आसन है हमारा दिल में गुरु के लिए ये हमारा बल है उसको लेकर जिएंगे गुरु सिद्धांत है सब ठीक है टाइम हो गया है हरे कृष्ण कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं हरे कृष्ण दोनों से और एक दयावान है उस लोग है ततो अधिकतत प्रियस्य एव कामना चैत्र महाप्रभु का चैत्र महाप्रभु दयालु है उनसे दयालु कौन है प्रिय सेवक आना महाप्रभु का जो भक्त है वो सबसे बड़ा दयालु है जगन्नाथ हो या चैत्र महाप्रभु हो नित्यानंद लेकिन भक्त से दयालु कोई नहीं है इसे भक्त चक्र बोलते हैं ना भक्त सबसे बड़ा दयालु भगवान को कुछ शर्त रहता है लेकिन भक्त प्रति दफा आवाज है इस दृष्टि में देखना चाहिए ये हर समय याद रखना चाहिए भगवान हमको कभी स्वीकार नहीं करेंगे जब तक भक्त स्वीकार नहीं किए भक्त स्वीकार करना चाहिए वैष्णव रावेदन कृष्ण दया भगवान तब स्वीकार कर लेते हैं जब कोई गुरु जी का सेवा करता है भगवान बहुत खुश हो जाते हैं ये मेरा सेवक का सेवक है चंद्र भागवत में वो वर्ष है ना सिद्धि भवति वा नेति संशय अच्युत सेविनाम निसंशयस्तु तद भक्तम परिचर्य रतात्मनम अमर भक्त पूजा माहि देवा सिद्धि भवति वा नेति संशय अच्युत सेविनाम डाउट है सिद्धि भवति वा नेति सिद्धि हो सकता है नहीं भी हो सकता है किसका संशय अच्युत सेविनाम जो अच्युत का कृष्ण का सेवा
हो सकता है नहीं हो सकता है, बट ये गारंटी दे रहा है, निसंशयस्तु तद भक्तम परिचर्यतात्मनम तद भक्तम अच्युत भक्तम, कृष्ण का भक्त का जो सेवा कर रहा है गारंटी परफेक्ट सर। इसका अनुवाद ऐसा नहीं किए हैं, इसका अनुवाद अलग किए हैं वृंदावन दास ठाकुर, से दाम्भिक मात्र, जो भगवान को पूजा करता है भक्तों को नहीं पूजा करता वो दाम्भिक है, वो दाम्भिक है, उनका अनुवाद बड़ा सुंदर चाल से किए हैं, सो दाम्भिक मात्र है वो दाम्भिक हो गया, भगवान को पूजा करता है भगवान भक्तों को पूजा नहीं करता वो दाम्भिक हो गया, भक्त से बड़ा दयालु कोई नहीं। इसलिए आचार्य लोग हर्षण प्रधान करना चाहिए, गुरु जी को हर्षण चिंतन करना चाहिए, चरण कमल को उपदेश को वैष्णव का सेवा करना चाहिए, ठीक है बताइए कौन है छुट्टी है। महाराज महाराज ये प्रश्न पिछली क्लास से आप बोल रहे थे कि हमारा इस संसार में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भगवान का सेवा हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो गुरु बोले वो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसमें एक प्रश्न आया था कि अगर गुरु हमें बताते हैं कि अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है तो उसे किस तरीके से उसको करना है, उसको करना है, गुरु जी अगर बोल रहे हैं घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई आपको करना है, गुरु जी जो बोल रहे हैं उसको वही करना है, क्योंकि ये तो आधिकारिक बात है, अगर गुरु जी बोलेंगे तुम ठाकुर जी का सेवा करो लेकिन तुम आसक्त हो पिता माता से तो क्या करेंगे, ना तो भगवान की सेवा होगा ना पिता माता की सेवा होगा, दोनों का सेवा नहीं होगा ना, अपन अधिकार के हिसाब से गुरु जी बोल रहे हैं, तो इसको मान लेना चाहिए। देखो जब फिलोसफी डिस्कशन होता है ना इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, हमारा तो कर्तव्य यही है भगवान से, अगर हमारा आसक्ति रहता है पिता माता से, हम ठाकुर जी का सेवा में आ गए हैं तो मन कहाँ रहता है पिता माता से, इसलिए बेटर गुरु जी बोलते हैं ठीक जाओ संसार का काम निभाओ, क्योंकि संसार में काम संसार का काम निभाने से मन कभी संतोष नहीं होता है, समझ रहे ना आप, और माया बहुत सुंदर एक्सपीरियंस देता है, जैसे जो लोग शादी किए ना आपको पूछ लीजिए कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, इस जन्म से वो संकल्प किया तीसरा जन्म में कभी मैं शादी नहीं करूंगा, संकल्प कर लिए हैं और नहीं बोल रहे हैं लेकिन कर लिए हैं सब, करना नहीं, अगर भगवान के पास नहीं जाना तो दूसरा जन्म ब्रह्मचारी बनना है, ब्रह्मचारी लोग याद करना चाहिए इसको, और ब्रह्मचारी लोग बोल रहे हैं जो लोग शादी किए ना उनको पूछ लीजिए उनका मन में यही संकल्प है इस जन्म तक पूर्ण हो गया दूसरा जन्म में कभी शादी नहीं करूंगा, इस जन्म से वो संकल्प करते हैं, ये एक्सपीरियंस मिलता है, इसलिए गुरु जी जो बोले उसको करते हैं। दूसरा प्रश्न था, आप बोल रहे हैं कि साधु का संग करना चाहिए, साधु का संग करना चाहिए, तो संग से आप जब बोल रहे हैं तो संग से क्या आपका कहने का तात्पर्य है, और दूसरा चीज हमें आपसे सुनने को तीन चार दिनों से मिला, तो ये चीज जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे गुरु आते हैं तो हमें याद रहता है और बाद में चला जाता है, तो किस तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो आपने हमें बताया कि साधु का इम्पोर्टेंस ये हमें और याद रहे। देखो जैसे हमारा गुरु से मैं इतना नहीं सुना, हमारे गुरु जी उदाहरण देते हैं, मैं प्रभुपाद का इतना संग नहीं किया, मेरा गुरु जी प्रभुपाद उनका गुरु जी का इतना संग नहीं किया, समझ रहे ना, हम लोग का एक आदत हो गया कि मुझे बार बार संग चाहिए, ये ठीक है बार बार संग चाहिए, लेकिन अगर आप समर्थ नहीं है तो बार बार संग से ही फायदा नहीं होता है, देखो जो गुरु जो पास रहता ना उनका भी भजन नहीं होता, क्यों समर्थ पुरुष नहीं, ये होता है कि हम कितना सीरियस सीरियस है कितना गंभीर है, आज प्रयत्न से लोगों का सेवा करना चाहिए, निष्कपट से थोड़ा सेवा से ये उपलब्धि हो जाता है, गुरु जी बोला है ना वो टिक कर रहा है, और दूसरे जो वैष्णव से हम सुनते हैं जो कुछ करते हैं इसमें भरोसा और भी बढ़ जाता है, इसका मतलब नहीं कि गुरु जी आप बता दीजिए गुरु जी क्या हर समय रहेंगे तो नहीं रहेंगे, फिर क्या करना है कैसे जीना, तो हम प्रयत्नशील होना चाहिए, बहुत सुंदर भावना से सेवा करना चाहिए, गंभीर भावना मन में बहुत जिसको बोलते हैं ना क्या बोले क्या बने चाहिए, ये गुरु का सेवा है मुझे ये करना है, बहुत प्रयत्नशील होकर काम करना है, तब जो थोड़ा शास्त्र पढ़ेंगे थोड़ा श्रवण करेंगे ना वो दिमाग में रह जाता है, सीरियसनेस पैदा करता है, और फिर एसोसिएशन में अर्ष कम होता है,
इसका मतलब नहीं आपको बार बार गुरु जी का संग मिलेगा, और अगर कोई समर्थ नहीं है ना गुरु जी का संग मिलने से उसका ज्यादा अनर्थ भी हो जाता है, दोष देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देना है, अगर आपका इच्छा है ना सेवा करने के लिए आगे बढ़ने के लिए, आपको प्रार्थना करना पड़ता है गुरु जी को, आचार्य लोग आप मुझे संग दीजिए जिसमें जी सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ, संग मिलेगा। इतना बड़ा शुद्ध परंपरा है, शुद्ध परंपरा में चैतन्य महाप्रभु मदद करेंगे डिवोटीज को, क्यों नहीं करें, प्रार्थना करें। ठीक है वो पता जी, हाँ अच्छा और क्या बात। ठीक है महाराज जी, और दूसरा चीज आप कपट के बारे में बोल रहे थे, तो जब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कपट है तो उसे किस तरीके से हमें व्यक्त करना चाहिए और किसको व्यक्त करना चाहिए? सबको तो व्यक्त नहीं करना चाहिए, जिसका विश्वास है जो जो दूसरे को नहीं बताएंगे उसको ही बोलना चाहिए, समझ रहे हैं ना। जिसे कोई भक्त है, गुरु भाई है या कोई सीनियर डिवोटी है जो आपको प्रोटेक्शन दे सकता है, वो बाहर डिवोटी को नहीं बताएंगे इतना डिवोटी से, फिर इसको सुन लेगा फिर आपका एग्रेसिव नेचर बढ़ जाता है। इसलिए भजन का जो उत्थान पतन होता है ना सबको नहीं बोलना चाहिए, मेरा भजन नहीं हो रहा है क्या, इसको किसको बोलना चाहिए जो आपको मदद कर सकता है, जो डिवोटी डाइजेस्ट कर सकता है, आपका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको सही दिशा में ले सकता है, उनको बनना चाहिए। तो वो कैसे हम ढूंढ पाएंगे कि जो उसे, मतलब यही प्रश्न है कि कैसे हम उसे ढूंढ पाए? सब जगह में है, ये सोच लीजिए, हर समय याद रखना है, कोई मंदिर है, कोई डिवोटी है, कोई एसोसिएशन है ना, इसमें कोई सीरियस डिवोटीज है, भक्त लोग हैं, इसका मतलब नहीं बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत सरल भक्त भी है। हर समय ध्यान देते महाराज ये बहुत बड़ा लोग हैं, भाई बहुत सरल भक्त भी है, कोई ग्रस्त है, कोई कोई ब्रह्मचारी है, सरल स्वभाव के दृढ़ विश्वास गुरुचरण में, उन लोगों का संग करने से फायदा मिल जाता है, समझ रहे ना। ये तो गृहस्थ लोग समर्पित है, ये तो ब्रह्मचारी स्वर्ग दिन थोड़ा दिन को जैन किए लेकिन उनका विश्वास है गुरु जी से, उन लोगों का भी संग करने से मिल जाता है, आपको पता चलेगा उनका सेवा से कितना से सेवा कर रहे हैं, ये ज्यादा कठिन नहीं। शुद्ध भावना मन में आ जाता है ना, संग मिल जाता है, महाप्रभु जी सबसे बड़ा दया है कुछ। ठीक है माता जी कुछ बोल रहे हैं, टाइम हाँ ज्ञानी का संग हम बहुत ढूंढते हैं, जो बहुत बड़े बड़े प्रवचन देते हैं ना उन लोग जो बोलते हैं हम मानेंगे दूसरा भक्त नहीं मानेंगे। एक स्टोरी है, भक्तिदास ठाकुर प्रभुपा जी महाराज ने, उनका पास बहुत आपको पता है कितना टैलेंट उनका डिसाइपल सकते हैं, लेकिन एक एक भक्त थे जो कुछ नहीं करते थे, सिर्फ खेती बाड़ी करते थे, जितना वेजिटेबल फ्लावर्स उसको वो सब केयर करते थे। एक बार ठाकुर जी ने उनको ही बोला तुम प्रवचन दो, सबका सामना सब हंसी उड़ाए, उनको क्या पता है, कभी क्लास में नहीं बैठता है, वो खेती बाड़ी करता है, और गुरु जी आज बोल रहे हैं उनको क्लास देने। और वो जब प्रवचन शुरू किया सब रोने लगे, मेरा गुरु जी का दया कैसा है, आज फल फूले सब रहा है, गंधा भी का गिरधर है, वो गुरु जी का महिमा पूरा क्लास में गुरु जी का महिमा शुरू कर दिए, और जितना सन्यासी लोग डंडा पकड़ कर बैठते सब रोने लगे, वो पंडित नहीं थे, उन्हें अनुभव था कि मंदिर कैसा चल रहा है, कैसा फल फूल आ रहा है, कैसा ठाकुर की आरती हो रहा है, कैसा सेवा हो रहा है, सिर्फ गुरु जी का महिमा मिला। ऐसा मतलब नहीं कि मैं प्रवचन दे रहा हूँ हम बड़े हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं भाई, जो समर्पित है चाहे ग्रस्त हो चाहे माता जी हो कर्मचारी हो, जो समर्पित आत्मा है गुरु जी से आचार्य लोग से मांगता है उन लोगों का संग ना आपको फायदा होगा, है सब जगह, नहीं तो इतना बड़ा संस्था चल रहा है परंपरा निष्ठ होना चाहिए। महाराज अगर एक कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि गुरु के भाव को जाने, साधु के भाव को जाने, लेकिन जब वो
जप करता है लेकिन जप में एकाग्रता नहीं है तो क्या वो भजन निष्ठ होगा या क्या वो भजन निष्ठ है? होगा। देखो कभी कभी क्या होता है, भजन का फल क्या हमको पता नहीं है। हम बोलते हैं ना भाई देखो, हम सोचते हैं कि मेरा मन पूरा भजन में लग जाएगा, अपराध से जब हम अपराध से मुक्त हो जाते हैं, अनर्थ दूसरा कामना नहीं रहता है, सदगुरु का दया होता है, तब स्थिति आता है। लेकिन जिसका प्रयास है वो प्रेम करता है साधु जी को, गुरु जी को प्रेम करता है, लेकिन उनका ये इम्पेडिमेंट्स है, बाधक है, जब जब करता है मन इधर उधर चला जाता है। कोई घर में है ना, लड़का का जिम्मेदारी लेना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, लेकिन भावना क्या है? ये कोर्स में हर दिन हमारे गुरु जी का प्रभुपाद जी का एक कोर्स डे कोट ऑफ द डे दो दिन से आपका प्रश्न उत्तर उतरी है। हमारे गुरु जी ये बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं तो बहुत बड़ा पंडित बनना पड़ेगा, ये बनना पड़ेगा। तुम्हारा अंतर का जो भाव है ना उसको चैतन्य महाप्रभु पकड़ रहे हैं। तुम्हारा अंतर का जो भाव है तुम क्या चाहते हो? लेकिन तुम एक ऐसे परिस्थिति में हो ना जिसमें परिवार में हो, जिम्मेदारी में हो, जब भजन करते हो शरीर भी खराब है, जब भजन करते हो मन इधर उधर चला जाता है, नींद आता है, मालूम नहीं होता है, लेकिन तुम्हारा अंतर का भाव क्या है? इसको मैच्योर करना है। भक्त समझो कर रहे हैं ना, हमारा आंतरिक जो मनोभाव है उसको मैच्योर करना है, पकाना है। मुझे सेवा करना है गुरु जी का, लेकिन क्या मेरा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है। ये जो मन में जो प्रार्थना है ना, ये बहुत आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। पहले मनोभाव बढ़ाना चाहिए। भजन तो थोड़ा कष्ट है, गुरु कृपा मिल जाता है ना गुरु जी, इसलिए सेवा बार 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 क्यों मैं सेवा की बात बोल रहा हूँ, गुरु जी बार बार हमको बोलते थे अगर सेवा नहीं करेंगे तो भजन नहीं होगा। जितना टाइम मिल जाए, पोषण मिल जाए, भगवान की सेवा कर लो, कृपा मिल जाएगा, स्मृति भी मिल जाएगा, वैष्णो गुरु की दया भी मिल जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होने वाले। और सबसे बड़ा चीज है ये, अब जिस प्रश्न किया ना, क्या हो सकता है? हो सकता है, मैच्योर करना है, बाप को पकाना है, नहीं मुझे गुरु परंपरा की सेवा करना है, मुझे विश्वास उगाना है, गुरु जी प्रभुपा जी मुझे मदद कीजिए, प्रार्थना करना है, हमको मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है ना, आप क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं क्या? हाँ ठीक होता है। महाराज जी एक प्रश्न था कि जब हम वैष्णवों को देखते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर को, भक्ति मनोहर ठाकुर को, वैष्णव गीत से हम जब समझते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपना दीनता का भाव दिखाते हैं और बताते हैं कि मैं पतित हूँ, बट जब हम उनका ज़िंदगी देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वैसा नहीं है। एक चीज़ मैंने ऐसे सुना था कि वो हमारे लिए बता रहे हैं, बट हम किस तरीके से समझें कि वो जब गा रहे हैं तो वो जैसे भक्ति मनोहर ठाकुर बोले हैं ना, जैसे गोपीनाथ अमित तो काम मेरा दास, क्या वो काम का दास है क्या? नहीं, जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त में ठाकुर जी की दया से जीव दशा उदित होता है। जीव दशा समझ रहे हैं, जीव का जो भाव वो उदित होता है। अच्छा ये अलग टॉपिक को आप मुझे ले आए, अगर वो भगवान की पार्षद है ना, वो अगर इधर आए हैं, समझ रहे ना, भगवान उनको भेजे हैं ना, निकुंज जीवन रति उनको भेजे हैं, तुम जाओ जीव का उद्धार करो, अगर वो स्वर्ग स्थिति पर रहेंगे ना, समझ रहे ना, वो ब्रिज नहीं कर सकते। उनका स्वर्ग स्थिति क्या है? सखी मंजरी है ना, वो आप कैसे हम जाएंगे? इसीलिए जीव दशा उदित होता है। ये महा जोगमाया के काम है ना, उनका स्वर्ग स्थिति ढक लेता है, उनको पता नहीं चलता कि भाई कृष्ण का पार्षद हो, राधारानी का सखी, पता नहीं चलता। पर जीव दशा उदित होता है, जीव का जो दुख है, जीव का जो स्वभाव है, उनका अंतर में आ जाता है। वो हमारे लिए प्रार्थना सुन लिखे हैं, ये हमारे लिए उनका ही दशा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ये जोगमाया का काम है, छिपा देते हैं उनका स्वरूप, खुद का जीव का जो भाव वो प्रकट कर देते आचार्य से, इसलिए हम आचार्य को मरते बुद्धि करते। ऐसा क्योंकि लोग बोलते हैं
क्या मैं ग्रस्त हूँ तो क्या हो गया, भक्तिवर ठाकुर भी ग्रस्त थे, उनका भी इतना लड़का मैं पागल हो गया, तुम पागल हो गया, कभी कभी बोलते हैं प्रभुपाद भी ग्रस्त, भाई तुम ऐसा मत करो, वो ग्रस्त ऐसा तुम मत, वो प्रभुपाद जी कैसे पागल हो क्या, ऐसा क्या बोल रहे हो तुम, ऐसे नहीं हो, वो सर्वस्थित पर, वो हर समय सर्वधाम कभी नहीं होते हैं, सर्वस्थित पर रहते हैं, जो कर रहे हैं ना, जो मैं उनका स्वरूप वो अभी जीव के लिए कुछ करें, महान तो स्वभाव एकता रहते हम तो सोचते हैं भक्ति में ठाकुर ऐसे के ये बुद्धि लगाते हैं, बुद्धि लगा कर तो फंस गए होंगे, कहां उनका भजन, कहां उनका संसाधन, लोग कैसे आ जाए, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सब जो हमारे लिए हमारे लिए, पता नहीं चलता, जैसा इलेक्ट्रिक वायर है ना, तार है, तार का भीतर करंट हमको पता नहीं चलता है, जब बल्ब चलता है तो पता चलता है, शरीर तो ऐसा है लेकिन भीतर उनका भीतर है कृष्ण शक्ति, वो पता नहीं चलता, यही गुरु दर्शन है, वही गुरु दर्शन है, गुरु जी का भीतर कृष्ण शक्ति का दर्शन करना है, वो गुरु दर्शन, वो शास्त्र आपका सेवा ये सब मिलजुल कर वैष्णव की कृपा से मिलजुल कर दिखा देते, अच्छा कैसे है गुरु, कैसे है गुरु दर्शन हो गया, ये तो विश्वास परमात्मा, मैं बोलता हूँ ना झूठा मोटा विश्वास तो नहीं होता है, परमात्मा आपको विश्वास दे देते ये होता है, ठीक है टाइम ओके, हरे कृष्ण जय गौर नित्यानंद प्रभु जी की जय, रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, समी वैष्णव भक्त की जय, नितय गौर प्रमाणित जय, हरे कृष्ण स्वामी महाराज। तो कल सुबह आखिरी डोज, इसके लिए अमृत की आखिरी डोज कल सुबह मिले, प्लीज कल भी